सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे पर बेहतरीन मिलेंगे। आज का पंचांग 27 जुलाई 2020, दिन सोमवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 7:09 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 11:04 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:31 से 9:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 27 जुलाई 2020, दिन सोमवार, आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्य स्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आज आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व प्रफुल्लता महसूस करेंगे। घर तथा व्यवसाय संबंधित कोई नई नीतियों पर विचार होगा और घर के रखरखाव सुख सुविधाओं और संबंधित चीजों में खर्च करने की योजनाएं बनेगी। आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी बात को लेकर चिंता बनी हुई है उसका जल्द ही हल मिलेगा। आपका आज काम में फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, इसका उपयोग अपना काम करने में करें। अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार करें, मन से किसी भी प्रकार के भय को मिटा दें। आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसे बदलाव जल्द ही आएंगे। कार्य क्षेत्र में आज मेहनत करनी पड़ेगी तभी फल मिलेगा। नौकरी बदलने का अवसर मिल सकता है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रियजनों के साथ आज थोड़ा समय अवश्य बिताने का प्रयास करें। काम को इतना महत्व न दे कि उनके लिए समय न मिले। सावधानियां, साथ ही घर में किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसे सुलझाने में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। खर्चों की अधिकता के कारण बजट बिगड़ने की संभावना है, इसका ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करें तो अब अपनी जिंदगी में अपने उस खास आदमी के लिए आपको अपना स्वभाव और काम बदलने की जरूरत है। आज आपको यह समझ में आएगा कि आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं उसके आपकी ओर आकर्षित होने की अधिक संभावनाएं सीधे तरीके से है, न कि उन चालों से जो आप पहले से खेल कर जीत हासिल करते रहे हैं। यह आदमी उन सबसे अलग है और इसे आपसे खुलेपन और ईमानदारी की उम्मीद है। करियर की बात करें तो जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद ना देख पाए और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। सेहत की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परेशान थे वे सब आज ठीक हो जाएगी, लेकिन वे अपने पीछे थकान की एक ऐसे फीलिंग छोड़ जाएगी जिसे उभरने में आपको कई दिन लग जाएंगे।
अधिक स्वास्थ्यकर जीवन शैली पर अपना फोकस रखें। एक्सरसाइज करना शुरू करें और खाने में भी अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प शामिल कर अपनी डाइट को संतुलित करें। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपाय अपनाएं। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर कनेर के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।